जो व्हाट्सअप गाइस कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ करोल बाग में मैत्री मोटर्स के अंदर। करण पाजी मेरे साथ खड़े हैं और करण पाजी बताने वाले हैं कि यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होने वाली है बाइक। तो करण पाजी स्टॉक कहाँ से बाइक रेंज स्टार्ट होती है? 40-45 से, जिसमें FZ पल्सर आ जाती है। एंड मिड रेंज बाइक्स अगर आप लेना चाहते हो 20-25 की रेंज में डिस्कवर प्लेटिना वगैरह सब गाड़ी मिलती है हमारे पास। कुछ हम वीडियोज़ में बड़ी बाइक्स शो करते हैं, तो छोटी बाइक्स की हमारी एक और शॉप है, वहाँ पर भी आपको सारी बाइक्स मिल जाएंगी। बट यहाँ पे जो हमारा स्टॉक रूम है बड़ी बाइक्स में डील कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको RR 310 मिल जाएगी, KTM मिल जाएगी, ड्यूक मिल जाएगी, बुलेट रॉयल इनफील्ड मिल जाएगी, आपको सारी बाइकें यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी शॉप पर विजिट करना है। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहली बाइक आ चुकी है RR 310, देख सकते हैं रेड एंड ब्लैक कलर में, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही बढ़िया बाइक है ABS वाली। तो आइए पूछते हैं इसके बारे में। 2019 मॉडल 6500 चली हुई है। एंड बाहर आपको जो स्टॉक रूम है वो देखने की मुझको मिलेगी एक और ऐसी सेम, वो दिसंबर की है 2019, और ये जो है 2019 मिड की है, ये 6500 चली है और वो जो है 2800 चली हुई है। 2800 जी। ओके, तो ये कितने तक की पड़ेगी? ये पड़ेगी 1,95,000 की। 1,95,000 दोस्तों देख सकते हैं, 1,95,000 की गाड़ी आप ले जा सकते हैं। तो इसमें जैसे कि ABS है, तो ड्यूल ABS है सिंगल है? जी ड्यूल ABS ही आती है, ड्यूल ABS है। और ये 310 CC, तो माइलेज कितना दे देगी? माइलेज की बात करो तो अराउंड 35 तक जाएगी, 30-35 है ना। हाँ। तो दोस्तों तो आपको ये अराउंड 30-35 दे देगी माइलेज, और ये आपको 1,95,000 की मिल जाएगी। सिर्फ 6500 किलोमीटर 6500 किलोमीटर चली है, बहुत ही जेन्युइन गाड़ी, आप खुद से आके चेक करिए, बहुत ही बढ़िया शॉप है। तो आइए अगले की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एक और बाइक आ चुकी है RC 200 है, ये 2019 मॉडल है, 6500 किलोमीटर चली हुई है, और प्राइस इसका आस्किंग मेरा है 1,75,000। बाइक ABS में है, और इसके आगे जो बाइक आप देख रहे हो 2019 मॉडल है, FZS। हाँ जी, ये भी चली हुई है 6500, अराउंड 7000 के आसपास चली हुई है। ओके, डिमांड इसकी जो है 85,000 है। 85,000, हाँ जी। इसके आगे आप ये देख सकते हो पल्सर गाड़ी है, 2019 मॉडल, ट्विन डिस्क में है बाइक, यू कैन सी, और बहुत ही मतलब तरीके से चली हुई गाड़ी है, बहुत ही डिसिप्लिन से, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में। हाँ जी। और डिमांड इसकी जो है मेरी वो है 75,000 रुपीज़। 75,000, तो कुछ नेगोशिएबल होगा इनसे? हाँ, नेगोशिएट हम कर रहे थे थोड़ा बहुत, ऑन द स्पॉट आओगे आप, जो भी बेस्ट होगा वो कर लेंगे। ओके okay. और बाकी दोस्तों यहाँ पे फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बिल्कुल। आपको वीडियो के लास्ट में हम बता देंगे। इसी के बगल में आप देख सकते हैं मोजो खड़ी है, मोजो के बारे में पूछते हैं। जी ये 2017 मॉडल है, जस्ट 6000 चली है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन, और इस प्राइस पे आई थिंक 300 CC की गाड़ी बहुत एक मतलब इजीली नॉट अवेलेबल नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो शायद आपको पता ही होगा, इसमें ट्विन साइलेंसर है। तो ये कितने की डिमांड होती है? ये पड़ेगी आपको सर 1,05,000 रुपये डिमांड है हमारी, बिकॉज इट्स अ वेरी लेस ड्रिवन बाइक। तो ये कितने किलोमीटर चलेगी? ये 6000 चलिए, 6000 किलोमीटर चलिए। और दोस्तों ये 1,05,000, तो अगर इसे न्यू मार्केट में ले लेने जाए तो कितने तक की पड़ेगी? 2.5 के आसपास होनी चाहिए। ओके, 2.5 लाख रुपये की होगी दोस्तों ये आपको, लेकिन यहाँ पे शॉप पे मिल जाएगी 1 लाख के आसपास मिल जाती है। 6000 चली, बिल्कुल नई ऐसी है, आप टायरों की कंडीशन भी देख लो, अनयूज्ड बाइक है। ओके, तो दोस्तों आइए अगले की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने R15 आ चुकी है, ब्लू एंड ब्लैक कलर में, ड्यूल शेड R15, ये 2018 मॉडल है, और प्राइस इसका जो आस्किंग है मेरा वो है 1,15,000 रुपया। गाड़ी बिल्कुल डॉटलेस है, अनडाउटेडली बहुत साफ गाड़ी है। इसके आगे R15 आप एक और देख लो, ये है 2020 मॉडल, BS6 ग्रे कलर में, नए वाला कॉम्बिनेशन है, नए। तो ये जो ब्लू वाला था वो कितने किलोमीटर चली थी? कौन सी सर? ये ब्लू वाली, ब्लू वाली 14,000 चली हुई है। और इसका प्राइस क्या होगा? एंड 1,15,000 रुपया डिमांड है, और ये है 3,500 किलोमीटर चली है, 3,500, 2020 BS6। तो इसका प्राइस लाइक 6 महीने पुरानी बाइक कह सकते हो आप इसको, और डिमांड इसकी मेरी है 1,55,000 रुपये। 1,55,000 दोस्तों आपको ग्रे वाली मिल जाएगी, और ब्लू वाली आपको कितने की बताई थी आपने? जी ब्लू वाली कितने की बताई? 1,15,000। 1,15,000 की मिल जाएगी। 4 R15 और हैं डिस्प्ले में, R15 वहाँ पे भी आपको 2-3 और मिल जाएगी देखने को। सो ये R15 2019 है, ये 2020 है, वो 2019 है, वो आगे भी 2019 है, ये तीनों 2019 मॉडल जो है 1,25 की रेंज में है, 1,25,000। हाँ जी, ये 2020 मॉडल है, ये 1,50,000 रुपये की है, 1,50,000। ये 4,000 चली हुई है BS6।
और बाकी जो 19 वाले वो कितने? 19 मॉडल 125 1,25,000 ओके तो दोस्तों जो 2019 का मॉडल है वो आपको 1,25,000 के मिल जाएगी। दोस्तों आपके सामने ड्यूक खड़ी है, ड्यूक के बारे में पूछते हैं, ये 125 सीसी वाली ड्यूक 125 2019 मॉडल है फॉर 1,15,000 रुपीज़। इसके आगे यहाँ पे दो ड्यूक और खड़ी है मेरे पास, ये 125 है ब्लैक वाली, ये 2500 चली है फॉर 1,45,000। 2020 मॉडल है, BS6 है और 4788 2018 मॉडल है ड्यूक 200, 1,25,000 रुपये की है। 1,25,000 हाँ जी ओके। तो दोस्तों आपके पास तीन ऑप्शन हो जाते हैं ड्यूक के अंदर, एक 125 सीसी की भी हो जाएगा। तो आइए अगले की तरफ चलते हैं, ये एक KTM की बात करते हैं। ये है 2018 मॉडल, 7-8,000 अराउंड के बीच में चली हुई है और डिमांड इसकी जो है मेरी 1,55,000 रुपये है। 1,55,000 हाँ जी ओके। तो ये और अपाची और ब्लू अपाची 2018 मॉडल है, 2700 चली है जस्ट, 2700 और इसका डिमांड ये आपको पड़ेगी सर 85,000 रुपीस में। 85,000 दोस्तों। इसी के बगल में आप R15 देख सकते हैं, R15 2019 मॉडल है फॉर 1,25,000 रुपीस। 1,25,000 जी ओके। और तो ये कितने किलोमीटर चली होगी? ये चली हुई है 7,000 किलोमीटर दोस्तों चली है। इसी के बगल में आप देखेंगे तो FZ 250 है, 2017 मॉडल FZ 250, बहुत ही एक्स्ट्रा क्लीन है और कंडीशन बहुत बढ़िया गाड़ी की, 10,000 के आसपास चली हुई है फॉर 85,000 रुपीस। दोस्तों 85,000 में मिल जाएगी आपको। इसी के आगे अगर आप देखेंगे तो आपके सामने डोमिनार खड़ी है वाइट रंग की, डोमिनार वाइट कलर है, डोमिनार ब्लू कलर है, 2017 है वाइट वाली, 2018 है ब्लू वाली। डोमिनार 17 का जो है 1,15,000 रुपये है और ये वाली 1,25,000 रुपये की है ब्लू वाली। ब्लू वाली 1,25,000 की और वाइट वाली 1,17,000 की। उसके साथ ही डोमिनार ब्लू के साथ ब्लैक RS है 2017 का। कितने किलोमीटर चलेगी ये? 15 के आसपास चलेगी, 15,000 किलोमीटर ओके। तो एक साथ डिमांडिंग प्राइस 75,000 की है। 75,000 में दोस्तों आपको मिल जाएगी RS। इसी के बगल में आपको एक और बाइक दिखाई दे रही है, अपाची है, ये 164V 2019 मॉडल ट्विन डिस्क में और ये पड़ेगी आपको 90,000 रुपीज़ की। 90,000 और दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने बहुत ही बढ़िया बाइक खड़ी है KTM की। आइए इसके बारे में, न्यू अनयूज्ड बाइक 1200 किलोमीटर चली है 2020 मॉडल विद 5 ईयर फुल इंश्योर्ड बाइक है, 5 साल की फुली इंश्योर्ड है और 1,90,000 रुपीज़ की है ये। 1,90,000 और बाकी कोई आता है तो कुछ नेगोशिएबल कर। यहाँ पे बाकी आप रॉयल एनफील्ड की बाइक्स देख लो और जो भी बाइक्स आपको देखनी है जाननी है उसके लिए इंस्टाग्राम पेज पे दोस्तों आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी होगी वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बाकी स्क्रीन पे भी शो होगी। तो आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, आपको सारी बाइकें वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी विद द प्राइस जी। मैं आपसे बिल्कुल वहाँ पे चैट बॉक्स में आप जो भी बाइक्स की वीडियोस फोटोज ले सकते हो और बात कर सकते हो प्राइस के बारे में। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर लीजिए, आपको प्राइस डिटेल सब कुछ दे दी जाएगी। बाकी हम ये रॉयल एनफील्ड के बारे में बात करते हैं। तो ये जो चेरी कलर की है ये है 2018 मॉडल इलेक्ट्रा है, यहाँ 2018 मॉडल इलेक्ट्रा है, ये 2019 मॉडल है ABS में डिस्क ब्रेक में एंड बाइक का देख लो पूरी बफिंग हुई है बाइक पे, आफ्टर मार्केट लेग गार्ड भी लगा हुआ है, बाइक बिल्कुल नई जैसी है, 9,000 चली है जस्ट, 9,000 किलोमीटर हाँ जी। और ये वाली कितनी चली है? रेड 8.5 और वो दूसरी वाली इलेक्ट्रा वाली 12,000 और उसके पीछे दोस्तों देख सकते हैं आपके पीछे एवेंजर खड़ी है। बहुत सारा स्टॉक है, स्टॉक तो आप अभी जितना मर्जी देख सकते हो और बाकी आप डिस्प्ले की बाइक्स देखो, बहुत अच्छी अच्छी नई बाइक्स हैं, आपको दिखाते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने आ चुकी है ब्लैक कलर की डोमिनार, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बाइक है। इससे पहले हमने आपको एक डोमिनार दिखाई थी, अब ये दूसरी है। तो आइए पूछते हैं इसके बारे में। यह है 2020 मॉडल, 3900 किलोमीटर चली है, गाड़ी की डिमांड है हमारा 1,65,000। दोस्तों ये आपको मिल जाएगी 1,65,000 में, आप इसको ले जा सकते हैं, 4500 किलोमीटर चली है। तो कितने सीसी की गाड़ी है? 250 सीसी गाड़ी है। तो माइलेज कितना दे देगी? माइलेज देगी 25-30 की, 25-30 का माइलेज दे देगी। दोस्तों बहुत ही जेन्युइन गाड़ी है डोमिनार, आइए और लेके जाइए। शॉप का नाम है मैत्री मोटर्स। आइए अगले की तरफ चलते हैं। इससे पहले हमने दोस्तों आपको एक और RR 310 दिखाई थी, ये दूसरी RR 310 है, आइए इसके बारे में पूछते हैं। ये 2019 मॉडल है, 5 साल का इंश्योरेंस है ABS के साथ है बाइक, ये चली है 3,000 किलोमीटर, बाइक की कंडीशन देखो बिल्कुल नई जैसी है, बाइक का डिमांड हमारा 1,95,000 रुपये। 1,95,000 दोस्तों, 1,95,000 में आप ले जा सकते हो। ड्यूल ABS की गाड़ी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बीच लाइक स्ट्रक्चर है, आपको जल्दी से जल्दी आना है और लेके जाना है। ये आपको मिल जाएगी 1,95,000 की, सिर्फ 3,000 किलोमीटर चली है। इसी के बगल में आपको R15 दिखाई दे रही है, इसी के बगल में ब्लू एंड ब्लैक कलर की, इससे पहले भी हमने आपको दिखाई थी सेम मॉडल, आपको देखा। पूछते हैं इसके बारे में। ये 2020 मॉडल है 2020, ये हमारी गाड़ी चली है 5,500 किलोमीटर, इसका डिमांड है हमारा 1,50,000 रुपये।
1.5 लाख रुपए, 1,50,000 दोस्तों, 1,50,000 में आप इसको ले जा सकते हैं। तो कितने किलोमीटर चली है? सिर्फ 5,500 किलोमीटर दोस्तों, 5,500 किलोमीटर वैसे चली है और आपको 1,50,000 में मिल जाएगी। बहुत ही वेल एंड गुड कंडीशन में गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। ये ड्यूल डिस्क वाली होती है और ड्यूल एबीएस है, 5 साल का इंश्योरेंस भी है। हाँ जी, गारंटी भी है अभी कंपनी की, वारंटी। हाँ जी, तो इसी के बगल में दोस्तों आप देख सकते हैं KTM खड़ी है, 3, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले वाले की पूछते हैं KTM के बारे में कौन। ये है 2018 मॉडल, ये गाड़ी चली है 7,200 कुछ किलोमीटर। 7,200? हाँ जी, हमारा डिमांड है 1,60,000 रुपये। 1,60,000 दोस्तों, 1,60,000 में इसको ले जा सकते हैं। ऐसी बाइक है, 200 सीसी की है? हाँ, 200 सीसी है गाड़ी की, ब्लैक कलर है गाड़ी पे, स्क्रैच भी नहीं है डॉट का भी। हाँ जी, तो ये कितने का माइलेज देगी? ये तो देगी आपको 30 के आसपास, 30 का। हाँ जी, ओके। तो दोस्तों ये आपको मिल जाएगी सिर्फ 1,60,000 रुपये। उसके बाद भी नेगोशिएबल कर दिया जाएगा शॉप पे, बस आपको विजिट करना है, शॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी अगर आपको और अदर बाइक्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैसेज करिए डायरेक्ट, आपको रिप्लाई किया जाएगा। इसी के बगल में एक और गाड़ी खड़ी है KTM की, 200 RC। ये 2017 मॉडल है, गाड़ी 9,000 किलोमीटर चली है आज तक। गाड़ी की कंडीशन देखो, आगे से पीछे ऑरेंज व्हाइट कलर है। गाड़ी सिंगल ओनर बाइक है, गाड़ी जेन्युइन चली है 9,300 कुछ किलोमीटर। 9,300? हाँ जी। ओके, तो कितने के? ये हमारा डिमांड है 1,45,000। 1,45,000 दोस्तों, 1,45,000 में आप इसको ले जा सकते हैं। 1,45,000 में आपको 2017 का मॉडल मिल रहा है, 200 सीसी का, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में गाड़ी है। बस आपको यहाँ पे विजिट देखिए, यहाँ पे तीसरी की तरफ चलते हैं। तीसरी बहुत ज़्यादा बेस्ट लग रही है, बहुत ही ज़्यादा न्यू लग रही है, ब्रांड न्यू लग रही है, तो इसके बारे में पूछते हैं। ये है 2020 मॉडल, 2020 है, 125 सीसी है, KTM की बाइक है। इसका डिमांड हमारा 1,50,000। 1,50,000, 1.5 लाख की मतलब? हाँ जी। तो 1,50,000 की दोस्तों ये आपको मिल जाएगी, और 125 सीसी है, 2020 का मॉडल है, 5,500 किलोमीटर चली हुई है। बाइक की कंडीशन एकदम देखो, नई जैसी, बिल्कुल बिल्कुल कलर है लेटेस्ट। जी, तो ये दोस्तों 125 सीसी में आपके मिल जाएगी। जैसे कि हमने इससे पहले आपको दो बाइक दिखाई 200 सीसी की, अगर आपको उससे कम की चाहिए तो ये मिल जाएगी आपको 125 सीसी में। माइलेज कितने देती है ये? तो देगी आपको 45 के आसपास, 40 to 45। हाँ जी, 125 है। जैसे स्प्लेंडर के लिए है, कोई कस्टमर आता है शौक पूरा करने के लिए, बाइक की 1.5-2 लाख का बंदा लेके चल रहा बाइक, ऐसे के लिए निकाले हैं। ओके, तो आप जब बात करते हैं दोस्तों FZS की, वर्जन 3.4, ये 2020 मॉडल है, BS6 मॉडल है ये। चलिए हमारी गाड़ी 6100 किलोमीटर। 6100? हाँ जी। इसके डिमांड है हमारा 1,05,000 रुपये दोस्तों। 6100 किलोमीटर ये चली है और 1,05,000 में ये गाड़ी आप ले जा सकते हैं, FZ5 ब्लू कोर वर्जन 3.0। बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, देख सकते हैं कार्बन ब्लैक कलर में, बहुत जेन्युइन गाड़ी लग रही है, बहुत अच्छी गाड़ी है और सिर्फ ये चली है 6500 किलोमीटर। आइए, इसी के बगल में आपको ड्यूक दिखाई दे रही होगी, ड्यूक के बारे में पूछते हैं। KTM ड्यूक है, 2020 मॉडल है, 5,100 किलोमीटर चली है, डबल चैनल ABS है, 5 साल का इंश्योरेंस है। 5,100 जी। ओके, तो ये कितने में मिल जाएगी? 1,45,000। 1,45,000 दोस्तों, 1,45,000 में आप इसको ले जा सकते हैं, सिर्फ 1,45,000 में ये गाड़ी आपकी हो जाएगी। और ये कितने सीसी की गाड़ी? 125 125। मतलब है, सेम 40-45 की माइलेज देगी ये भी, वही 45 के आसपास देगी आराम से। तो दोस्तों ये आपको 125 सीसी की है, 40-45 की माइलेज दे देगी, 1,45,000 में मिल जाएगी, 1,45,000 में ये गाड़ी आप ले जा सकते हैं। ये ड्यूल डिस्क होती है? हाँ जी, डबल चैनल, 5 साल का इंश्योरेंस है। ओके, तो आइए अगले की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने आ चुकी है MT15, देख सकते हैं ब्लू कोर में, बहुत ही प्यारी लग रही है यमहा की। आइए पूछते हैं इसके बारे में। ये 2020 मॉडल है, 7,000 किलोमीटर चली बाइक है, 7,000। BS6 मॉडल है, 5 साल का इंश्योरेंस है, डबल चैनल ABS है। इसका डिमांड है हमारा 1,45,000। सेम इसके भी 1,45,000 है दोस्तों, ये भी आपको 1,45,000। तो ड्यूल डिस्क, ड्यूल चैनल? हाँ जी, डबल चैनल। और इंश्योरेंस? 5 साल का, 5। ओके, तो कितने किलोमीटर चली थी बताया? 7,000 के आसपास चली है, 7,000 के आसपास चली है दोस्तों, और आपको अच्छी खासी कंडीशन में 1,45,000 में मिल जाएगी MT15। आइए अगले की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने आ चुकी है एवेंजर 220 क्रूज, इसके बारे में पूछते हैं। ये है 2020 मॉडल, BS6, 2,500 किलोमीटर चली है, पूरी गाड़ी लिबिलेशन हुई है, नीचे नई जैसी बाइक है। गाड़ी का डिमांड है हमारा 1,15,000 रुपये, नई गाड़ी 1,60,000 रुपये की है शोरूम। तो दोस्तों 1,15,000 रुपये की आपको मिल जाएगी, इसको अगर न्यू लेने जाते हैं तो 1,60,000 की गाड़ी है।
तो ये भी ड्यूल डिस्क की है? हाँ जी, 5 साल का इंश्योरेंस, डबल चैनल की एबीएस है और सिर्फ 2500 किलोमीटर चली है। सिर्फ 2500 किलोमीटर दोस्तों चली है, कंडीशन में मिल रही है आपको। बस यहाँ पे आपको चेक करना है। अगर आपको लगे कि हम कुछ बोल रहे हैं और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, तो आप खुद आइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, खुद का मैकेनिक ला के चेक करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं निकलेगी। अगर फिर भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो दोस्तों करोल बाग मार्केट है, आपको 36 शॉप मिलेंगी, आप कहीं भी जा सकते हो। आगे दोस्तों आपके सामने जावा खड़ी है, जावा के बारे में पूछते हैं। यह है 2020 मॉडल, 5100 किलोमीटर चली है, इसका डिमांड है हमारा 175,000 रुपये। 175,000 दोस्तों, 1,55,000 की, 75,000 की आपको मिल जाएगी। अगर आप इसे न्यू लेने जाते हैं तो 2 लाख से ऊपर की बाइक है ये, 2010 की है इसे। जी, तो ये आपको मिल जाएगी 1,75,000 की। ड्यूल डिस्क है, ड्यूल चैनल है, 5 साल का इंश्योरेंस भी है। ओके, तो दोस्तों ये आपको 1,75,000 में आप इसको ले जा सकते हैं। माइलेज कितना देती है ये? तो 300 सीसी की है ना ये? 25 के अंदर अंदर ही रहे, 25 की है ना। ओके, तो आइए इसी के बगल में चलते हैं। डोमिनार आपको ब्लू कलर में एक और दिखाई दे रही है, इसके बारे में पूछते हैं। डोमिनार 400 सीसी है, 2020 मार्च की बाइक है, 8,000 कुछ किलोमीटर चली है, हमारा डिमांड है इसका 1,55,000। 1,55,000 दोस्तों इसकी डिमांड है, और ये अच्छी खासी कंडीशन में है, 400 सीसी की गाड़ी। तो ये कितने 400 सीसी है? सीसी जितना ज़्यादा हाई उतना कम माइलेज कम, तो माइलेज कितना मिलेगा? ये तो 15 से 20। तो दोस्तों वही है कि जितना भी आप सीसी बढ़ाओगे उतना ही माइलेज आपकी गिरती चले जाएगी। आपको बस यहाँ पर आना है, विजिट करना है, आपको ये मिल जाएगी सिर्फ कितने की? 1,50,000। 1,50,000 की, 1,50,000 की, 1,50,000 दोस्तों, 1,50,000 रुपए में आप इसको ले जा सकते हो। ड्यूल एबीएस है, डबल चैनल है, 5 साल का इंश्योरेंस भी है। ओके, तो दोस्तों इसी के बगल में आप RS 200 देख सकते हैं, ब्लू व्हाइट एंड ब्लैक कलर में, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। आप यहां पर आकर देख सकते हैं, सारी बाइकें बहुत जेन्युइन कंडीशन में रखी हुई है, पल्सर RS 200। आइए इसके बारे में पूछते हैं। ये 2018 मॉडल है, ये 11,000 किलोमीटर चली है, इसका डिमांड है हमारा 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये दोस्तों, 1,00,000 रुपये में आप इसको ले जा सकते हैं। ये भी डबल डिस्क है? हाँ, डबल डिस्क है, मगर एबीएस नहीं है ना, 5 साल का इंश्योरेंस है। हाँ, क्योंकि मॉडल पुराना है, 19 में आने की शुरुआत। तो दोस्तों 19 से जो भी ऊपर मॉडल हो गया या 19 का मॉडल हो गया, उसमें आपको 5 ईयर का इंश्योरेंस मिल जाएगा, अच्छी खासी कंडीशन में गाड़ी मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे सारी हैवी बाइक्स है, तो आप यहाँ पे आकर ले सकते हैं, आपको बहुत सारी बाइकों में ऑप्शन मिल जाएगा। आइए अगले की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपके सामने आ चुके सुजुकी की इंट्रूडर, जो कि बहुत सारी मूवीज़ में भी आजकल यूज़ हो रही है। तो आइए पूछते हैं इसके बारे में कि ये कितने तक, कौन सा मॉडल है? ये 2018 मॉडल है, 3200 किलोमीटर चली है सिर्फ। 3200 किलोमीटर, हाँ जी, जेन्युइन रीडिंग है, इसका डिमांड हमारा 85,000 रुपये। तो इसको चालू कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, स्टार्ट करके देखो, एबीएस वाली है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आइए डिजिट इस पर स्क्रीन पर नज़र डालिए। तो दोस्तों अभी तो बैटरी डाउन है इसकी, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही है। 232 किलोमीटर दोस्तों, 232 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर दोस्तों ये चली है, और इंट्रूडर बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। तो कितने सीसी की गाड़ी होती है? 150 जिक्सर, 150 सीसी की गाड़ी। हाँ, बढ़िया माइलेज है, 35,000 के आसपास है, गाड़ी दिखने में भी है, भी है। तो ये कितने तक की मिल जाएगी? 85,000 रुपये डिमांड है हमारा, उसमें भी प्राइस कर लेंगे जो भी होगा। 85,000 दोस्तों इसकी डिमांड है, 85,000 में भी आपको नेगोशिएबल कर दिया जाएगा, बस उसके लिए आपको शॉप पे विजिट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सारी गाड़ियाँ मिल जाएगी, ऑलमोस्ट जितनी भी हैवी गाड़ियाँ होती है। आइए अगले की तरफ चलते हैं। अगले में दोस्तों आपके सामने दिखाई दे रही है RTR 164V, आइए इसके बारे में पूछते हैं। यह है 2019 मॉडल, एबीएस है, इसमें डबल चैनल एबीएस है, 5 साल का इंश्योरेंस है, इसका हमारा डिमांड है 95,000 दोस्तों, 95,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, रेड वाइट कलर में, बहुत ही प्यारी कॉम्बिनेशन लग रही है दोस्तों। गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। तो ये कितना किलोमीटर चली होगी? ये चली है 12,000 किलोमीटर, और 5 साल का इंश्योरेंस भी है। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं फाइनेंस की। तो दोस्तों आप यहाँ तक आ चुके हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करे जाए बिना कहीं ना जाए। तो पूछते दोस्तों कि ये बाइक आप तक पहुँचेगी कैसे, और फाइनेंस की फैसिलिटी कहाँ तक अवेलेबल है? बाइक्स अगर आप ट्रांसपोर्टिंग की बात कर रहे हो, तो ट्रांसपोर्टिंग तो बाइक हम लोग ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। अगर आप आना चाहते हो तो भी आ भी सकते हो, और नहीं आना चाहते तो भी आप गाड़ी ऑनलाइन मंगा सकते हो, पे करके बाइक मंगवा सकते हो, पिक्स वगैरह वीडियोस लेके। तो उसके कॉस्ट तो अलग बेयर करना पड़ेगा, कॉस्टिंग अलग होती है, डिपेंड करता है कौन सी सिटी में आप मंगवा रहे हो। तो फाइनेंस की फैसिलिटी कितनी? फाइनेंस फैसिलिटी तो है हमारे पास, जो है 15 से 20% अराउंड आप पे करके बाइक परचेज कर सकते हो, कोई भी, डिपेंड्स ऑन योर सिबिल, बैंकिंग कैसी है आपकी, ट्रांजेक्शन।
तो हाँ मतलब सब कुछ इन सब पे डिपेंड करता है, तो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आईडीज आपके कहाँ के हैं कैसे। हाँ हाँ, तो अगर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट और चेक वगैरह, एक दो चेक। तो दोस्तों आई होप आपको सारे कुछ समझ में आ गया होगा। 15-20% के डाउन पेमेंट पे आप लोग बाइकें ले जा सकते हैं, लेकिन आपका सिविल अच्छा होना चाहिए और बाकी आपकी आईडी जो होनी चाहिए वो यहाँ दिल्ली की होनी चाहिए, दिल्ली एनसीआर आईडी, एनसीआर के भी चल जाते हैं। हाँ, तो दोस्तों आपको बस यहाँ पे विजिट करना है शॉप पे, आपको आपकी ड्रीम बाइक मिल जाएगी बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तो चले गुड बाय।